मैं पिछले 3 घंटे से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, और फाइनली मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना फोटोशूट किया जाए, वो भी घर के अंदर ही, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास कोई फोटो क्लिक करने वाला नहीं है यार, मेरी फोटोज क्लिक कौन करेगा? हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज, आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं सेल्फ पोर्ट्रेट, मतलब मैं खुद की फोटोज कुछ क्लिक करने वाला हूँ, एंड वो भी अपने फ़ोन से ही। तो मतलब इस वीडियो में आपकी 2 दिक्कतें सॉल्व होने वाली है। जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो कोई फोटो क्लिक करने वाला है ही नहीं, हम किससे फोटो अपने क्लिक करवाएं, उनकी भी, एंड जो लोग बोलते हैं हमारे पास तो यार कैमरा ही नहीं है, हम फोन से कैसे फोटो क्लिक करें, उनकी भी। एंड आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में तो आते ही हो, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करो और शूट अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रूम दिखाता हूँ, इस रूम के अंदर हम फोटो शूट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कचरा फैल रहा है रूम के अंदर, यहाँ पर देखिए, तो पूरे रूम में कोई भी नहीं है, मैंने खुद को इस रूम के अंदर लॉक कर दिया है। एंड यहाँ पर हम खींचेंगे फोटोज, वो भी अपने फ़ोन से ही। अब क्योंकि ये मेरा स्टूडियो है, तो मेरे को यहाँ पर एक बहुत ही मस्त आइडिया दिख रहा है कि मेरे पास एक बड़ी सी LED स्क्रीन तो है, तो क्यों ना इसका यूज़ करके कुछ फोटोज़ क्लिक की जाए। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव फोटोज़ क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, कोई ना कोई वॉलपेपर खोल के, तो अब मैं भी ट्राई करूँगा, एंड वो भी अपने फ़ोन से ही। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टेबल साफ़ करना पड़ेगा, देखिए बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा है टेबल पर, तो मैं इसको 2 मिनट में साफ़ करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डेस्क हो चुका है क्लीन, एंड अब मैं क्या करूँगा, इस डेस्कटॉप पे एक बड़ी सी फोटो खोलूँगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट सी फोटो, कोई वॉलपेपर टाइप, एंड उसका यूज़ करके कुछ फोटो क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको ऑन तो कर लूँ, इसका बटन ना बहुत मेरा इकलौता ट्राई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसकी बटन की पोजीशनिंग बहुत ही गलत जगह पे, मतलब ये देखो, यहाँ से मैंने मैक मिनी रखा हुआ है और इसका बटन यहाँ पीछे जाके दबाना पड़ता है, तो मैं ऐसे ना तुक्का मारता हूँ कि कहाँ इसका बटन है। तो फाइनली हमारा ये डिस्प्ले खुल चुका है। अब मुझे एक ऐसी फोटो ढूंढने जो कि बहुत ही कलरफुल सी हो, बहुत ही नियॉन सी लगे, और जो कि फोटो में बहुत इंटरेस्टिंग दिखे, तो मैं कोई वॉलपेपर सर्च कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका ही पहले यूज़ करते हैं। इसको मैं पूरा डाउनलोड कर लेता हूँ, व्यू फाइल करते हैं। सो ये फोटो फुल स्क्रीन पर आ चुकी है। अब मुझे एक चीज़ और करनी है कि मुझे इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस बिल्कुल फुल कर देनी है, ताकि फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखे और पूरे रूम को अंधेरा कर दूँ। तो ये इस डिस्प्ले की हाईएस्ट ब्राइटनेस है। अब इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये कि मुझे अपने पूरे रूम को अंधेरा कर देना पहले, तो सारी लाइट्स बंद करके आता हूँ। अंधेरा हो गया, अब हमें एक चीज़ करनी है, सामने से जो लाइट आ रही है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, और अंधेरा हो गया। इसके बाद मैं अपने फ़ोन को अपने ट्राईपॉड पर लगाता हूँ और फिर अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ये मेरा फ़ोन ट्राईपॉड पर लग चुका है, एंड ये बिल्कुल रेडी है फोटो क्लिक करने के लिए। अब मैं इसकी पोजीशन को बिल्कुल सेट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ। मैं इसकी हाइट बिल्कुल अपने PC के लेवल की रखूँगा, जितना ये डिस्प्ले है। और यहाँ पर मैं इस फोटो में ना मैनुअल सेटिंग करना चाहूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा लाइट रूम कैमरा ऐप का। तो यहाँ से पहले मैं लेंस चेंज करूँगा अपना, और यस, इसको टेलीफोटो पर रख देंगे। अब मैं यहाँ पर कैमरा सेटिंग्स करूँगा सारी, शटर स्पीड में रखूँगा अराउंड 1/250, और ISO थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। इसके बाद जस्ट मैं एक टाइमर लगाता हूँ 5 सेकंड का, एंड एक जस्ट टेस्ट शॉट लेके देखते हैं, ठीक है? तो वो वाला वॉलपेपर यार इतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक नया वॉलपेपर लगाया, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राइट भी है और इसमें कलर्स भी थोड़ा ज़्यादा है। तो जब भी आप कोई ऐसा वॉलपेपर डिस्प्ले पर लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि उसमें कलर्स थोड़े ज़्यादा हो, थोड़ा ब्राइट कलर ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा दिखे, ठीक है? एक और चीज़ जो मुझे अभी पता लगी कि मुझे थोड़े से डार्क कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि मैं बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाऊँ, वरना मेरी ये व्हाइट टी शर्ट बिल्कुल अलग सी दिख रही है। तो मैं अपनी टी शर्ट चेंज करके फटाफट से फिर वापस आता हूँ। एक और आइडिया मेरे माइंड में अभी आया कि मैं इस डिस्प्ले को बिल्कुल ऐसे लंबा कर देता हूँ, एंड फिर मुझे ज़्यादा स्पेस मिलेगा फोटो क्लिक करने का और लाइट ज़्यादा आएगी। तो लेट्स ट्राई। ये आई थिंक ज़्यादा बेटर है, इससे हम पोर्ट्रेट भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको पोर्ट्रेट में सेट करता हूँ फ़ोन को। फोटो हमारी बहुत ही बेस्ट आ चुकी है, एंड एडिट करके ये फोटो बहुत ही बेस्ट बन जाएगी, एंड मस्त लग रही है फोटो, बिल्कुल फ़ोन से हमने क्लिक किया। आप बताओ आपको ये फोटो कैसी लग रही है? नेक्स्ट जो मेरे पास आइडिया है, उसके लिए हमें इस रूम में एक प्लेन वॉल का ढूंढना पड़ेगा, एंड हम कुछ डबल एक्सपोजर वाली फोटो क्लिक करने वाले हैं। तो आई बिलीव बहुत मस्त फोटो आने वाली है, पर रूम के अंदर मुझे इतना अच्छा कुछ बैकग्राउंड दिख नहीं रहा, प्लेन मेरे पास कोई वॉल है नहीं, इसलिए मैं जस्ट अपने छत के ऊपर जो वॉल है, प्लेन एक वाइट वॉल, उसका यूज़ करूँगा, एंड वहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे। तो चलो फिर वॉल पर चलते हैं। बारिश तो हल्की हल्की चलेगी भाई, लेकिन मौसम बड़ा मस्त हो रहा है,
तो ये है मेरे पास वो प्लेन वॉल जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड इस पर हम अपनी फोटो क्लिक करेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा और प्लेन बना लूँ, फिर क्लिक करेंगे। एक मिनट, मैं अपना फ़ोन लाना तो भूल ही गया। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन को, क्योंकि उसके अंदर हम सारे फीचर खुद कर सकते हैं। और हमें दो फोटोज़ क्लिक करनी है और सेम सेटिंग पे, इसलिए मैं मैनुअल कैमरा कंट्रोल चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या करूँगा, ISO बिल्कुल कम कर दूँगा एंड शटर स्पीड जो है इसको हम बढ़ा देंगे। तो फाइनल एक बार लेके देखते हैं। तो इस तरीके से देखो, मैंने तीन चार अपनी फोटोज़ क्लिक कर लिया अलग अलग पोजेज में, एंड इन फोटो को हम ब्लैक एंड व्हाइट करके मर्ज करेंगे और डबल एक्सपोजर करके फोटो बहुत ही कमाल की बन जाएगी। एंड आप देखिए फोटो आपको ये कैसी लग रही है। ये वाली दोनों फोटोज़ बहुत अच्छी आई है, मैंने ट्रस्ट में सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी फोटो हमारी आ जाएगी फोन से ही। वैसे फोन से क्लिक करने के लिए और बहुत कमाल की एप्लीकेशन है जिसका नाम है B612, विच इज ऑल्सो आर वीडियो पार्टनर। चलो इसको ट्राई करते हैं। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स स्पेशली यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर एक मस्टेज वाला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, माचो बियर्ड वाला। इस पर क्लिक करते हैं एंड देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह शिट मैन, मैं बिल्कुल रियल ऐसे बियर्ड वाला बंदा दिख रहा हूँ। मतलब मेरी बियर्ड बिल्कुल रियल सी लग रही है यार, ऐसा लग रहा है सही में मेरी इतनी खतरनाक बियर्ड आ चुकी है। काश मेरी बीड़ इतनी अच्छी होती। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यार, जैसे यहाँ पर ये देखते हैं, एक यहाँ पर आते हैं एंड एक इफेक्ट देखा था मैंने, ये वाला क्राइंग वाला भाई। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं सही में रो रहा हूँ यार। कितना रियलिस्टिक बना दिया उन्होंने इस ऐप को यार। इसके अलावा इस ऐप के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर है जिसमें आप अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हो और अपनी फोटो में DSLR वाला इफेक्ट डाल सकते हो। लेट मी शो यू। एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पर एक फोटो मैं अपने सेलेक्ट करता हूँ, मान लेते मेरी एक ये फोटो है। अब इसका मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है, DSLR इफेक्ट्स में डालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे लास्ट में आना, यहाँ पे देखिए DSLR, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो का ये बैकग्राउंड बहुत मस्त ब्लर कर देगा। आप देखिए बहुत ही परफेक्टली देखिए इसने फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है एंड मेरी फोटो बिल्कुल DSLR वाली फील आ रही है। और इसकी खास बात यह है ना कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, एंड इसके अलावा इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी आते रहते हैं और नए नए फीचर्स भी आते रहते हैं। तो अगर आप भी फोन से कुछ क्रिएटिव फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो ट्राई करिए B612 ऐप को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट फोटो पे मूव करते हैं, एंड मेरे पास जो नेक्स्ट आइडिया वो बहुत ही क्रिएटिव सा है। इसके लिए मैंने बैंडेज ले लिए हैं दो, एंड इसके अलावा मेरे पास एक ये माचिस की डब्बी है, इनका यूज़ करके हम बहुत ही कमाल की एक फोटो बनाने वाले हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, पहले दो बैंडेज निकालता हूँ इससे, एंड हमें करना क्या है कि मैं चार माचिस की तीलियाँ लूँगा, उनको यहाँ पर ऐसे रख दूँगा और साथ में बैंडेज लगाऊंगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, पहले एक ही बैंडेज निकालते हैं, मैं इन चार माचिस की तीलियों का यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं लगाऊँगा बैंडेज ऐसे में, उसको इसको फेस पे लगा देंगे। तो ट्राई करते हैं, मैं इसकी टेप निकालता हूँ। तो सर ये मैंने इस तरफ लगा लिया, अब मैं एक सेम इस साइड लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने दोनों साइड ये बैंडेज लगा लिया, आई डोंट नो कैसे लग रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक माचिस तीले ऐसे हाथ में पकड़ेंगे एंड फिर फोटो क्लिक करेंगे। तो इससे पहले कि ये नीचे गिर जाए अपनी फोटो क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फोटो हम क्लिक करने वाले हैं ब्लैक बैकग्राउंड पे, ताकि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस ना लगे और फोटो बहुत ही ड्रामेटिक सी लगे। तो मैं अपना फ़ोन लगा लेता हूँ, एंड लाइटिंग के लिए मैं टॉप साइड से एक लाइट रखूँगा, अपनी रिंग लाइट का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी सी ड्रामेटिक लाइट पड़े। तो मैं यहाँ पर इस रिंग लाइट को जला देता हूँ, फ़ोन की मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूँ, इसका कलर मैं बिल्कुल ऑरेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैनुअली सेटिंग कर लेता हूँ कैमरा की। जो मेन चीज़ हमें करनी है वो ये कि मैं इस माचिस तेल को जला दूंगा एंड उसके बाद फोटो को हम क्लिक करेंगे। तो मैं जलाता हूँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है यार ये लगा के, मतलब गलती से कर रही, इस पर आग लग गई ना भाई साहब, मेरी आँख में सब जल जाएगी। ये परफेक्ट आई है, इसको मैं अगर एडिट करूँगा ना, एडिट करके मस्त बन जाएगी। आप देखने एक बार इन कैमरा कैसी लग रही है। अब इस बैकग्राउंड को देख के मेरे पास एक और बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है, मतलब क्यों ना मैं एक ऐसी फोटो क्लिक करें बहुत ही ड्रामेटिक सी, जिसमें कि बाकी कोई एलिमेंट ना हो पर मेरे फेस पे हल्की से एक साइड से लाइट पड़ रही है और बिल्कुल ग्रेडियंट सा लगे सब कुछ, बिल्कुल ब्लैक सी फोटो लगे, मतलब बैकग्राउंड कुछ दिखे ही ना, उसमें हम बाद में फेड डाल देंगे, फोटो बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके लिए हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं अपना एक ये चश्मा पहन सकता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फोटो क्लिक करना। इसके लिए हमें एक लाइट चाहिए, बस ये वाली लाइट ही बहुत है, एंड इसका मैं कलर ना ब्लू कर देता हूँ, बाकी हम टेम्परेचर को छोड़ेंगे एडिटिंग में, एंड ये वाला लाइट में बंद कर देता हूँ एक। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फोन करना टेलीफोटो वाला लेंस यूज़ करूँगा, मतलब जिसमें कि जूम होकर फोटो में दिखे। इस फोटो क्लिक करने में एक दिक्कत आएगी, मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा फोटो कैसी आ रही है और ये जूम लेंस से क्लिक हो रही है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ला तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाऊंगा। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। भाई साहब मैं फ्रेम में आया नहीं, पूरा ही कट गया।
तो मैंने अपने फ़ोन की शटर स्पीड अराउंड 800 रखी है एंड ISO बिल्कुल मिनिमम मैंने अभी 40 पे सेट कर रहा है। एंड अभी एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। एक बार लास्ट ट्राई, क्या पता इस बार बढ़िया आ जाए। तो फाइनली इतनी कोशिश करने के बाद ये फोटो अच्छी आ चुकी है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत ही मस्त डार्क सा बैकग्राउंड आया है एंड एडिट करके मैं इसको और बेहतर बना लूँगा। तो फाइनल फोटो आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। सो यही था गाइस इस वाली वीडियो में, आई होप आपको सारी फोटोज अच्छी लगी होंगी। बाकी मेरे को ये वाली फोटो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आपको कौन सी फोटो बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर से बताना एंड आप कौन सी फोटो ट्राई करने वाले हो ये भी बताना। बाकी आई होप मैंने आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया तो सिखाया होगा, एटलीस्ट बैंडेज का नया यूज तो बता दिया। वेल अगर आप इन सभी फोटोज को देखना चाहते हैं इन डिटेल तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर से इनको पोस्ट कर दूंगा एंड आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं मुझे। एंड बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना ताकि इस वीडियो को थोड़ी सी हेल्प हो जाए एंड अगर आप चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।